सूरत के नाम से नवाजा। दुआ करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से तरोताजा बने रहें और ये मुशायरा अपनी मंजिलों तक पहुंचे। चांदनी शमशेर को इजाजत दीजिए कि वो अपने कलाम से नवाजे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज ये सूर्या मूवी में मेरी चौथी हाजिरी है और मैं जितनी बार आई हूँ उतनी बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं हर बात उसे याद ही करती हूँ। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और पिंडाल पूरा फटफट के गिर रहा था। वो मैं आखिरी बार आई हूँ, लेकिन हर बार मैं जब भी आई हूँ मुझे आपकी मोहब्बत इस तरह से हर बार मिली है। आइए मैं चार हिस्से से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। नाज़िम मुशायरा बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद आपकी निज़ामत में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। पढ़ती हूँ, मैं समाप्त हो रहा है। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, हर एक लम्हा मोहब्बत के नाम करती हूँ। सबके रुख पर यहाँ ताजगी आ गई, सबके रुख पर यहाँ ताजगी आ गई। तुझे कितना चाहती हूँ,
लोग हैं ये थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, लेकिन इधर के लोग और पीछे के लोग खामोश क्यों हैं? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आगे जितने नौजवान बैठे हैं ये सब बगैर शादीशुदा हैं। इन्हें किसी बात का कोई खतरा नहीं है और ये तीन चार लाइनों के बाद जितने लोग बैठे हैं वो सब शादीशुदा हैं और उन्हें मालूम है कि बराबर में जो इधर आधी आबादी बैठी है इसमें उनके इंस्पेक्टर साहब हैं मौजूद। खबर उनके घर पहुंचने से पहले पहले उनके घर तक पहुंचेगी और उसके बाद उनका जो हाल होगा तो वो गजल सुनने के लायक नहीं बचेंगे। देखिए सभी भाई, दरअसल बात ये है कि मैं जो शेर पढ़ रही हूँ मैं अपने लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इनके ही दिलों की जो बात है वो कर रही हूँ। कहने वो कहते हैं कि मैं तो गजल सुना कर अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों को। बात मेरी समझ में आ गई, अब बात मेरी समझ में आ गई। हजराते गिरामी, जो शादीशुदा मेरे दोस्त बैठे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, चाकरी शमशन की आवाज में आप जो गजल सुन रहे हैं उसके शेर का हर मतलब आप ये निकालें कि जैसे आपकी अहलिया, आपकी बीवी, आपकी महबूब आपसे ये बात कहना चाहती है जो चांदनी शमशन की जवानी आपको सुनाई जा रही है। छोटा आदमी से इस्तेमाल करिए, वो अपना खेल सुना रही है और आप उसके अपनी बीवी तलाश करने की कोशिश कीजिए।
पट्टी होगी। अच्छा,